जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन दुनिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, जो दुनिया के कई देशों की गेहूं की मांग को पूरा करता है। लेकिन जब से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया के कई देशों में गेहूं का उत्पादन कम किया गया है, आपूर्ति कम हो गई है। हालांकि इस बीच भारतीय गेहूं के दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहुँच बना ली है। उदाहरण के लिए, विश्व के देशों में युद्ध के कारण खाद्यान्न संकट के बीच भारतीय गेहूं देशों की गेहूं की आवश्यकता को पूरा कर चुका था। हालांकि भारतीय गेहूं का ये सफर 13 मई से ठप पड़ा है। दरअसल 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तब से भारत से सीधे गेहूं का निर्यात एक तरफ से प्रभावित हुआ है, इसलिए वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। इस बीच केंद्र सरकार एक अहम फैसला लेने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार जल्द ही 12 लाख टन गेहूं के निर्यात को हरी झंडी दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार गेहूं के निर्यात को लेकर फैसला लेने की तैयारी कर रही है। ये सारा गेहूँ विदेशों में निर्यात करने के लिए देश के बंदरगाहों पर पड़ा है। दरअसल भारत सरकार ने अचानक से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया था, लेकिन इससे पहले बड़ी संख्या में गेहूं विदेशों में निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच चुका था। वहीं रॉयट्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के फैसले के बाद बंदरगाहों में पड़े 12 लाख टन गेहूं के निर्यात को हरी झंडी मिल जाएगी। दरअसल बंदरगाहों पर पड़े गेहूं को मानसून से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार निर्यात पर जल्द फैसला ले सकती है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह में पड़े 12 लाख टन गेहूं के निर्यात को केंद्र सरकार जहां हरी झंडी दे सकती है, लेकिन इसके बाद भी 5 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर अटका रह सकता है। दरअसल इस समय देश के बंदरगाहों पर करीब 17 लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है। इसमें से 12 लाख टन गेहूं उन व्यापारियों का है जिनके पास निर्यात का वैध परमिट है। वहीं 5 लाख टन गेहूं उन व्यापारियों का है जिनके पास वैध परमिट नहीं है। ऐसे में ये गेहूं बंदरगाहों पर ही पड़ा रह सकता है। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद केंद्र सरकार ने केवल उन्हीं व्यापारियों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है जिनके पास खास पत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।